सर बोर्ड ना के ना सर थोड़ा जा डॉक्टर साहब बस ठीक है ठीक नहीं आना पड़ेगा तो फायदा नहीं एक साहब सामने नहीं आ रहे आप जरा थोड़े पीछे कैमरे दे एक बहुत बड़े जो मतलब समझता था कि मैं नाकाफी शिकस्त हूँ इस तरह हमारे उसकी सारी जिंदगी का नाम सबका पूछा दिया और वो सोच रहे थे सरकार साहब होना चाहिए और मजबूत तरीके से हमको कामकाज होनी चाहिए इस आप सिर्फ फंडिंग की फंडिंग का इंतजार है और इंशाल्लाह वो भी और मैं मिलकर इंशाल्लाह इस इलाके के जो भी मसाइल हैं वो हम हल करेंगे इंशाल्लाह। आज जहांगीर खान ज़दारा भी आना था लेकिन क्योंकि सुबह ही असेंबली का इजलास है वो नहीं आ सके। रात को मैंने खुद उनको फ़ोन पर बात की थी। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का कर्म है कि आज जो लोग भी इलाका छस में आते हैं इस इलाके के सड़कें इस इलाके के बिजली का निज़ाम गैस का निज़ाम हजरों को देखते हैं तो जब वापस जाते हैं तो मुझसे जिक्र करते हैं कि ये इलाका अब तरक्की याफ्ता इलाका बन चुका है और ख़ास तौर पर ये जो मोटरवे का तोहफा हमें हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने दिया इसकी वजह से तो हम तहसील हजरों के लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एक मोहल्ला बन चुके हैं। एक घंटे बाद आप पेशावर होते हैं एक घंटे बाद आप पिंडी होते हैं एक घंटे बाद आप इस्लामाबाद होते हैं। ये आपने शिरानी का जिक्र किया आपने कुछ और जिक्र किए हैं कि वहाँ गैस रहती है। इंशाल्लाह 2016 में ये जो हमारा अभी बजट आ रहा है जून का इसमें इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सुई गैस और बिजली के काम आपके हो जाए इंशाल्लाह। बहुत में हमने डाली है कुछ इलाके वहाँ रहते हैं इधर से शिनके में हम इस फर्ज को हम सब मिलकर निभाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि आपने क्यों उनकी हुकूमत को 12 अक्टूबर 99 को तोड़ दिया गया क्यों उनको अटक किले में पाबंद सलासल कर दिया गया धमाके किए पूरी दुनिया की ताकतें यहूदी कुवतें हिंदुस्तान अमेरिका सब ने कहा कि मियां साहब आप एटमी धमाका न करें लेकिन नवाज शरीफ ने किसी की परवाह न की और 7 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी मुल्क बना दिया।